Good morning, everyone. Welcome back to our English online class. Students, we have completed our 6 chapters in English textbook. Today, we will start with our 7th chapter, that is Rikki Tikki Tavi. In this chapter, the characters are Rikki, which is a mongoose. A mongoose hai jiska naam Rikki hai. Young boy whose name is Teddy. टेलर बर्ड जिसका नाम है डेजी, कोबरास नाग या नगैना जो है कोबरास है, और एक छुछुंद्र है. छुछुंद्र मतलब आप वो घर पे देखते हैं जो चूहे जैसा होता है ना छुछुंद्र, वो. सो इन दिस स्टोरी द मोंगूस, यू नो मोंगूस इज एनिमी ऑफ स्नेक्स. वो स्नेक्स को जहाँ भी देखते हैं वो उसे अपना शिकार बना लेते हैं. सो इन दिस स्टोरी ऑल्सो नाग और नगैना जो है वो मोंगूस के शिकार बन जाते हैं. लेट्स स्टार्ट, ओपन योर पेज नंबर 49. लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. रिकी हैड अ फ्लफी बॉटल ब्रश टेल एंड अ पिंक नोज. हिज आईज वर पिंक बट व्हेन ही वाज एंग्री दे बिकम फेयरी रेड. As he ran through the long grass, he uttered a mischievous sound, Rikki Tikki 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 Tikki. Rikki जो है वो एक मोंगूस है जिसके फ्लफी से है ना जो टेल है और पिंक कलर की उसकी नोज है, लेकिन जब वो गुस्सा होता है ना तो उसकी जब आईज है ना वो एकदम रेड हो जाती है. और वो जो है ना ग्रास से जब ग्रास पे जब खेल रहा होता है जब उस वक्त वो है ना अजीब सी आवाज़ें करता है, मीन्स साउंड ऑफ क्राइंग समथिंग. तो उसका उस वजह से उसका नाम जो है रिकी रखा गया है. रिकी ग्रू अप इन अ कोजी ब्यूरो बट वन डे अ फ्लड थ्रू हिम इनटू अ रोड साइड डिच. व्हेन ही वोक अप ही सॉ अ स्मॉल बॉय टेडी स्टैंडिंग नियर हिम एंड सेइंग लुक इट्स अ मोंगूस लेट्स टेक हिम टू आवर हाउस एंड ड्राई हिम. रिकी जो है वो एक वो गरम से जो उनका ब्यूरो होता है ना छोटा सा होल जैसा होता है उसमें रहता था, लेकिन एक दिन जो है फ्लड आई तो उस फ्लड की वजह से वो उस फ्लड में डूब मतलब फ्लड ने उसको बाहर रोड पे फेंक दिया तो वो बेहोश हो गया. और जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि एक लड़का सामने खड़ा है और वो कह रहा है कि देखो ये एक मोंगूस है, हम इसको घर पे लेके जाते हैं और इसको सुखा देते हैं. अब टेडी जो है वो रिकी को अपने साथ अपने घर पे लेके जाता है. एट होम एज सून एज रिकी वाज ड्राई ही जंप्ड ऑन टू टेडीज शोल्डर. टेडी गेव हिम अ डिलीशियस स्नैक ऑफ रॉ मीट. आफ्टर ईटिंग रिकी बिगेन एक्सप्लोरिंग द हाउस बट केम बैक इन ऑन टू टेडीज शोल्डर्स. उसको वेट करने के बाद जो है टेडी ने उसे एक रॉ मीट दिया जो उसने खाया और फिर पूरे घर का चक्कर लगा के आ गया. एंड देन ही केम बैक एंड सेट ऑन टेडीज शोल्डर. द नेक्स्ट मॉर्निंग रिकी वेंट आउट टू द गार्डन. ही रैन अराउंड द टॉल ग्रास सिट्रस ट्रीज रोज बशेस एंड बैम्बूज एंजॉइंग हिमसेल्फ. नेक्स्ट डे वो जो गार्डन था उसमें जाके सारे ट्रीज के इर्द गिर्द घूम के वहाँ पे पूरी सैर वगैरह करके आया, सब देखा वहाँ पे खेल के आया. Suddenly, Rikki heard a mournful cry coming from the thorn bush. Daisy, the tailor bird and his wife were weeping. What is the matter? Asked Rikki. उसने एक पेड़ से एक रोने की आवाज़ सुनी तो वो वहाँ पर गया तो उसने देखा वहाँ पर टेलर बर्ड है और उसकी वाइफ है जो रो रहे हैं. तो उन्होंने रिकी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं. We are very miserable, replied Daisy. One of our babies fell out of the nest and Nag ate him. डेजी ने बोला कि हम बहुत दुखी हैं, हमारे जो है एक बेबी जो है वो हमारे नेस्ट से नीचे गिर गया तो नाग ने उसे खा लिया. दैट इज़ वेरी सैड, एग्रीड रिकी. बट हु इज नाग, वो बोलता है ये तो बहुत बुरा हुआ, तो ये नाग कौन है. जस्ट एट दैट मोमेंट अ लो हिस केम फ्रॉम द थिक ग्रास नियर बाय. रिकी शिवर्ड एंड जंप बैक. इट वॉज अ लार्ज ब्लैक कोबरा विथ विंग्ड आईज. I am Nag, he hissed. Look and be afraid. इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई दी हिस की. हिस मतलब जो स्नेक्स होते हैं ना वो जो फन से अपनी आवाज़ करते हैं उसे हिस कहा जाता है.
तो उसे आवाज़ सुनाई दी, तो वो थोड़ा सा डर गया और उसने देखा कि एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कोबरा जो है वहाँ पर आया और उसने आके कहा कि मैं नाग हूँ, मुझे देखो और मुझसे डरो। रिकी स्टार्टेड एट द जायंट स्नेक, स्टेड एट द जायंट स्नेक, ही फेल फेयर फॉर ओनली अ मोमेंट बिकॉज अ मंगूस इज नेवर अफ्रेड ऑफ अ स्नेक। रिकी हैड नेवर मेट अ कोबरा बिफोर बट हिज मदर हैड फेड हिम ऑन डेड वंस एंड ही न्यू व्हेन ही ग्रू ही हैड टू किल एंड ईट स्नेक्स। रिकी ने पहले तो उसे घूर के देखा, इतना बड़ा स्नेक था, थोड़ी देर के लिए वो डरा लेकिन फिर उसने उसे डर नहीं लगा क्योंकि उसे पता है कि बड़ा होके कभी ना कभी वो स्नेक्स को मार के खाएगा और बचपन में उनकी जो मंगूस की जो मदर है उसने मरा हुआ जो स्नेक है वो मंगूस को खिलाया था, तो उसे पता है कि फ्यूचर में मैं भी इनको मार कर खाऊंगा। रिकी स्टूड बोल्डली एंड सेड, वेल डू यू थिंक इट इज़ राइट टू ईट यंग बर्ड्स दैट हैव फॉलन फ्रॉम देयर नेस्ट। रिकी बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह जो यंग से बर्ड्स जो ऊपर से गिरे उन्हें खाना तुम्हारे लिए सही था। नाग डिडंट आंसर, ही न्यू दैट अ मंगूस वुड वन डे किल हिज फैमिली सो ही हैड अ प्लान टू डिस्ट्रैक्ट हिम। उसने नाग ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे पता था एक दिन ये मंगूस जो है वो हमारी पूरी फैमिली को मार देगा, तो उसने सोचा कि इसका ध्यान जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाए। लेट अस स्टॉप, नाग सेड, यू ईट एग्स, व्हाई शुडंट आई ईट बर्ड्स। नाग ने बोला कि तुम अंडे खा सकते हो तो हम लोग है ना बर्ड्स को क्यों नहीं खा सकते। लुक आउट, क्राइड डेजी बिहाइंड यू। रिकी इमीजिएटली लीप्ड हाई ऑन इनटू द एयर, ही सॉ एन एंग्री ह्यूज स्नेक्स हेड विस अंडर हिम। अब डेजी ने ना रिकी को बोला कि देखो पीछे देखो, तो जैसे ही रिकी ने पीछे देखा तो उसके पीछे एक बड़ा सा कोबरा खड़ा था जो थी नाग की वाइफ जो होती है नगैना, फीमेल नाग। इट वॉज नगैना, नाग्स विग्ड वाइफ। नाग वॉज डाइवर्टिंग हिज अटेंशन एंड शी हैड कम टू बाइट हिम। रिकी केम डाउन एंड बाइट नगीनास बैक, शी स्लिटर्ड अवे क्विकली। अब है ना नाग क्या कर रहा था, रिकी को अपनी बातों में उलझा रहा था ताकि पीछे से नगीना आके उसे डंक मार सके, लेकिन जैसे ही रिकी ने पीछे देखा तो उसने जंप मारा और नगीना के ऊपर जाके उसे जो है उसे मारा, उसे बाइट किया। विक डैजी, क्राइड नाग एंग्रीली। अब जो है नाग जो है उसने डेडजी पे गुस्सा किया क्योंकि डेडजी ने रिकी को अलर्ट किया था। रिकीज आईज वर ग्लोइंग रेड विथ रेज। अब रिकी जो है गुस्से में उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। जस्ट देन अ टाइनी वॉइस कॉल्ड आउट फ्रॉम द डस्ट, लुक आउट। इट वॉज करेट, अ स्मॉल ब्राउन स्नेक विद अ बाइट एज पॉइजनस एज अ कोबराज। एट वंस रिकी जंप्ड ऑन टू हिम। अब जो है वो धीरे से उसको आवाज़ आई रिकी को कि पीछे देखो, तो जैसे ही उसने पीछे देखा तो एक छोटा सा ब्राउन स्नेक था जिसका जहर जो है कोबरा के जितना ही खतरनाक होता है, लेकिन रिकी ने जैसे ही उसे देखा उसके ऊपर जंप लगा दिया। लुक, टेडी कॉल्ड टू हिज पेरेंट्स, रिकी इज फाइटिंग अ स्नेक। टेडीज मदर केम रनिंग बिहाइंड हिज फादर बट बिफोर दे रीच टेडी, रिकी हैड किल्ड करैत। इतने में जो है टेडी वो बाहर आ गया और उसने कहा अपने फादर से कि देखो रिकी है ना स्नेक के साथ फाइटिंग कर रहा है, तो उसके मम्मी और पापा दोनों बाहर दौड़ते हुए आए, लेकिन जब तक वो आए तब तक रिकी ने उस छोटा जो स्नेक था करैत उसको मार दिया था। यू हैव सेव्ड टेडी, क्राइड टेडीज मदर पिकिंग रिकी एंड कैरिंग हिम इनटू द हाउस। रिकी फेल्ट प्राउड बट ही वॉज जस्ट डूइंग व्हाट मंगूस डू। अब रिकी टेडी की जो मॉम है उसने उसे कहा कि वाह तुमने हमारे टेडी को स्नेक से बचा लिया, तो ऐसे करके उसको रिकी को गोद में उठा लिया, लेकिन और रिकी को ऐसा हुआ कि आई एम मैंने है ना एक स्नेक को मार दिया, आई हैव डन समथिंग, बट ये तो वही काम था जो हर मंगूस करता है। दैट नाइट टेडी कैरिड रिकी टू बेड विथ हिम बट एज सून एज टेडी वॉज असलीप रिकी वेंट ऑन हिज नाइटली राउंड्स टू मेक श्योर ऑल वॉज सेफ। इन द डार्कनेस ही बम्प इंटू छुछुंद्र द मुस्क्रेत। अब रात को जब है टेडी ने रिकी को अपने साथ बेड पे सुलाया, लेकिन जैसे ही टेडी सोया रिकी वहाँ से चला गया और देखने लगा कि सब सेफ तो है, कहीं पे स्नेक वगैरह तो नहीं आए, तो इतने में वो
गलती से जो है छुछुंद्र से टकरा गया। डोंट किल मी क्राइड छुछुंद्र, आई डू नॉट किल मस्कट्स, आई किल स्नेक्स, सेड रिकी। छुछुंद्र ने उसे बोला कि मुझे मारना मत प्लीज, तो रिकी ने उसे बोला कि मैं मस्कट्स को नहीं मारता हूँ, मैं सिर्फ स्नेक्स को मारता हूँ। आई वॉज स्केर्ड, नोबडी इज सेफ विथ नाग अराउंड, छुछुंद्र रिप्लाइड, एंड नाउ ही हैज अ नेस्ट फुल ऑफ एग्स, देयर विल बी कोबरास ऑल ओवर। Then he began to cry. Can't you hear, Rikki Tikki? He said sadly. अब वो जो है कहता है कि जब नाग आसपास होते हैं तो कोई सेफ नहीं होता और मेरे पास तो बहुत सारे अंडे हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है नाग से। फिर इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तो उसने रिकी को बोला कि तुम्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। Rikki Tikki listened. He could hear the faintest of crisp scratch of snake scales on bricks. अब उसे उसने ध्यान से सुना तो उसे जो है ऊपर ब्रिक्स पे हल्की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई रेंग रहा हो, क्रॉलिंग कर रहा हो। इट वॉज नाग और नगैना क्रॉलिंग इन टू द बाथरूम पाइप्स। जो नाग और नगैना थे वो है ना पाइप के रास्ते से घर के अंदर एंटर कर रहे थे। इमिजिएटली रिकी स्करीड अराउंड एंड सॉ इन टेडीज पेरेंट्स बाथरूम अ लूज ब्रिक, ही हर्ड हिसिंग वॉइसेस जस्ट आउटसाइड। अब रिकी जो है रिकी स्करीड जो है इमिजिएटली वो है ना भाग के और बाथरूम में गया और देखा कि वहाँ पे जो हिसिंग की आवाज आ रही है। When the people are gone from this house, the mongoose will leave as well, and the garden will be ours. Nagaina hissed. Remember to bite the big man first. When you have done that, come out and tell me, and we shall hunt for Rikki Tikki together. अब ये लोग जो है दोनों नाग और नगैना प्लान बना रहे थे कि हम लोग पहले जो है ना इन सबको मार देंगे, फिर ये गार्डन पूरा हमारा हो जाएगा। तो नाग ने नगैना से बोला कि पहले तुम जो जो बिग मैन है मतलब टैडी के जो फादर हैं, पहले तुम उसे मार देना, फिर आके तुम मुझे बताना, और उसके बाद हम रिकी टिकी को मिलकर मारेंगे। आई विल किल द बिग मैन एंड हिज वाइफ एंड द चाइल्ड इफ आई कैन, नाग रिप्लाइड। नाग ने बोला कि मैं तीनों को मार दूंगा। रिकीज आइज ग्लोड रेड एज नाग्स हेड केम इन थ्रू द पाइप एंड स्लोली कॉइल्ड हिज लॉन्ग बॉडी अराउंड द बकेट एंड स्लैप्ड। अब नाग ने क्या किया कि धीरे से वो बाथरूम में एंटर हुआ और अपनी बॉडी को बकेट के पीछे जो है पूरा राउंड कर दिया और वहाँ पे ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो सो रहा है। एन आवर पास्ट, देन स्लोली एंड स्लाइटली रिकी क्रैप्ट टूवर्ड्स नाग। Then with a sudden swiftness, he jumped and landed on Nag's head and bit him hard. थोड़ी देर के बाद, आधा घंटा एक घंटा हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि रिकी ने slowly जो है नाग की तरफ जाना स्टार्ट किया और झटके से उसके ऊपर जंप लगाया और उसको बाइट कर दिया। At once Nag was shaking his head from side to side in anger. Nag moved so furiously that Rikki was banged against the floor, the bathtub and the walls many times. Nag itna fast chal raha tha ki Rikki kai baar jo hai bathtub se aur wall se takra gaya. Boom boom, the noise echoed like thunder in Rikki's ears. Uske kaano mein jo hai itna zor zor se jo use maar raha tha wo Nag, to uske kaano mein aawaz gunj rahi thi. Bang! Suddenly a gunshot was fired. The big man had fired two shots at the cobra. Then the big man picked Rikki up. अब जो है गन शॉट की आवाज़ आई और जो बिग मैन था उसने क्या किया, उसने कोबरा को दो शॉट्स से गन से मार के और उसे ख़त्म कर दिया और फिर रिकी को उसने उठा लिया। इट्स द मोंगूज अगेन, अलाइज ही सेड टू हिज वाइफ, ही हैज सेव्ड आवर लाइव्स नाउ। द मैन पिटेड रिकी एंड कैरिड हिम टू टेडीज बेडरूम वेयर रिकी स्लेप्ट ऑफ। अब वो लोग कहते हैं कि अरे बाप रे, इस बार फिर से हमें इसने बचा लिया। फिर उन्होंने रिकी को उठाया और टेडी के साथ उसके रूम में उसे सुला दिया। इन द मॉर्निंग रिकी न्यू हिज वर्क वॉज नॉट फिनिश्ड। आई स्टिल हैव नगैना टू टेक केयर ऑफ, ही सेड टू हिमसेल्फ, एंड आई मस्ट गो एंड सी डैडजी। अब वो सुबह उठ के कहता है कि अभी भी मुझे नगीना को जो है वो मारना है, तो उसने सोचा कि मैं अब डैडजी से जाके पूछता हूँ कि वो कहाँ है। Rikki went into the garden. Darzi was singing a victory song, celebrating the news of Nag's death. Rikki जब garden में गया तो उसने देखा कि वो जो tailor bird है वो बहुत खुशी में song गा रहा है और celebrate कर रहा है Nag की death को।
Where is Nagaina? Rikki asked. On the garbage heap morning for Nag. रिकी ने पूछा कि नगीना कहाँ है, तो उसने बोला वो कचरे के ढेर पे है, वहाँ पे नाग के लिए जो अपना दुख दुखी होके वहाँ पर बैठी है. एंड डू यू नो वेयर शी कीप्स हर एग्स, रिकी सेड. दे आर इन द मेलन बेड, डेर्जी सेड. रिकी प्रिटेंड टू हैव अ ब्रोकन विंग. अब डेर्जी ने बोला कि वो वहाँ पे मेलन बेड के वहाँ पे है ना अपने एग्स रखती है, और वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसके विंग्स जो है वो टूट गए हो, और उससे कहता है ओ माय विंग इज ब्रोकन, क्राइड डेर्जी फ्लर्टिंग ओवर नगाइनास हेड. टेडी थ्रू अ स्टोन एंड ब्रोक माय विंग. अब वो उसे झूठ कहता है कि मेरे तो है ना जो विंग्स हैं वो टूटे हुए हैं, मैं तुम्हें चल के नहीं बता सकता, टेडी ने मुझे स्टोन मारा था और उसकी वजह से मेरे पंख जो है वो टूट चुके हैं. तो मीन वाइल रिकी हरीड टू द मेलन बेड एंड फाउंड 25 कोबरा एग्स. Ricky quickly began crushing the eggs. When there was only one left, he heard Daisy's wife scream. अब रिकी ने क्या क्या जल्दी से वो मेलन बेड के वहाँ पे गया और उसने वहाँ पे देखा 25 कोबरा के एग्स वहाँ पे पड़े हैं, तो उसने सारे एग्स को क्रश कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया. और जब एक एग बाकी था तो उसने डेर्जी की वाइफ की रोने की चिल्लाने की आवाज़ सुनी. Ricky, she shouted. Nagaina has gone on to the veranda. She means to kill. उसने कहा कि रिकी देखो नगीना है ना वरेंडा से चढ़ के और घर के ऊपर साइड गई है, घर के ऊपर गई है वरेंडा में, और वो है ना मुझे लगता है किसी को मारने के लिए जा रही है. रिकी पिक्ड अप द लास्ट वन ऑफ हिज वन इन हिज माउथ एंड ही रेस्ड टुवर्ड्स द वरेंडा. टेडी एंड हिज पेरेंट्स वर हैविंग ब्रेकफास्ट. अब रिकी ने क्या किया, जो एक एग बाकी था उसको अपने मुँह में ले लिया और वहाँ से फास्ट दौड़ा वरेंडा की तरफ जहाँ पे टेडी और उसके पेरेंट्स जो है ब्रेकफास्ट कर रहे थे. नगेना कॉइल्ड एट द बेस ऑफ टेडीज चेयर एंड सेड कीप वेरी स्टिल यू थ्री, शी हिस्ड. इफ यू मूव आई विल किल यू, यू आर फुलिश पीपल एंड यू किल्ड माई नाक. अब नगीना ने जो क्या किया कि टेडी की जो चेयर थी उससे खुद को पूरा राउंड कॉइल कर दिया, खुद को वहाँ पे पूरा लपेट दिया और उसके ऊपर फन फैलाकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम लोग हिलना मत, अगर हिले हो ना तो मैं तुम सबको मार दूंगी क्योंकि तुमने मेरे नाक को मारा है. द फैमिली वॉज हॉरीफाइड बट डिड नॉट मूव. सब लोग डर गए थे लेकिन कोई हिला नहीं वहां से. नगेना, रिकी कॉल्ड बिहाइंड देम, गो एंड लुक एट योर एग्स इन द मेलन बेड. रिकी ने उसे कहा कि जाओ और देखो कि तुम्हारे जो एग्स हैं वो कहाँ हैं. Nagaina turned around and saw an egg between Ricky's paws. Oh, she cried. Give it to me. Nagina ने देखा कि उसके मुंह में जो है एक egg है, तो उसने बोला कि वो ये egg मुझे दे दो. Nagaina turned around, forgetting all about Teddy. Quick as a flash, Teddy's father pulled him to safety. अब वो भूल गई कि वो टेडी वगैरह की फैमिली के इधर बैठी थी, उनको डरा रही थी. उसने जैसे ही ये मोंगूस से बात करने लगी तो उसके फादर ने टेडी को सेव कर लिया. इट वॉज आई हु किल्ड नाग, रिकी सेड प्राउडली. कम देन फाइट विथ मी. रिकी कहता है कि नाग को मैंने मारा है, अगर हिम्मत है तो मुझसे आके लड़ाई करो. गिव मी दैट एग, रिकी टिकी. Nagaina सेड आई विल लीव एंड नेवर कम बैक. अब नगेना जो बोलती है कि ये जो एग है ये मुझे दे दो, मैं फिर यहाँ लौट के कभी नहीं आऊँगी. तो that is right, Ricky replied. You will go away and never come back because you are going to the garbage heap with Nag. तो रिकी ने बोला कि सही कहा, तुम वापस नहीं आओगे क्योंकि तुम उसी कचरे के ढेर में अपने नाक के पास चली जाओगी, मतलब मैं तुम्हें भी मार दूंगा. Furious, Nagaina tried to jump on Ricky. In the fight, Ricky left the egg and Nagaina picked it in her mouth and ran to her hole. Ricky ran after her. अब गुस्से में नगीना ने क्या किया, उससे फाइट करने के लिए रिकी के ऊपर उसने जंप करने गई, तो रिकी ने अपने मुंह से जो एग है उसको छोड़ दिया और नगीना ने उसको पकड़ लिया और वहाँ से अपने होल की तरफ जाने लगी, अपने घर की तरफ जाने लगी. द होल वॉज वेरी डार्क आउटसाइड. डेर्जी एंड हिज वाइफ लुक्ड सॉरोफुली. अ मोंगूस नेवर केम आउट ऑफ अ कोबराज होल से. अब रिकी जो है वो उस नगेना के पीछे पीछे गया, तो वो जैसे ही होल के अंदर गई तो मोंगूस भी उसके अंदर चला गया. अब जो डेर्जी है टेलर बर्ड और उसकी वाइफ वो है ना वहाँ पे बहुत ही दुख से उस होल की तरफ देख रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि
एक बार सांप के बिल में कोई चला गया तो फिर वो जिंदा वापस नहीं आता। वेल एंड रिकी टिकी इज डेड, डेडजी सैंग मॉर्नफुली। अब ब्रेव रिकी टिकी, जो बहादुर रिकी टिकी है वो मुझे लगता है मर चुका है, ऐसे कहके डेडजी जो है वो दुखी होकर गाना गाने लगा। जस्ट देन रिकी केम आउट, आई हैव किल्ड हर, रिकी सेड टायर्ड बट फुल ऑफ प्राइड। रिकी ने बाहर आके कहा कि मैंने उसे मार दिया, वो बहुत ही थका हुआ था लेकिन उसने एक प्राउड के साथ बोला कि मैंने उसको मार दिया। एंड सून ही कर्ल्ड अप ऑन द ग्रास एंड वेंट टू स्लिप, और फिर वो चला गया और जाकर सो गया। सून बर्ड्स वर सिंगिंग एंड फ्रॉग्स वर क्रॉकिंग विद जॉय ऑल ओवर द गार्डन। बट वॉट इज ऑल दिस फॉर, थॉट रिकी, आई वॉज जस्ट डूइंग माई जॉब। अब जो है सारे बर्ड्स और फ्रॉग्स जो है वो सब खुशी में गार्डन में गाना गाने लगे और क्रॉकिंग करने लगे, क्योंकि नाग और नगीना जो है वो मर चुके थे। रिकी ने बोला कि ये सब किसके लिए, मैं तो सिर्फ अपनी जॉब कर रहा था। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। आफ्टर दिस आई विल सेंड यू योर एक्सरसाइज, जिसमें चूज द करेक्ट आंसर है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही फिल करने हैं, नो नीड टू राइट इट इन योर नोटबुक। देन आंसर दीज क्वेश्चंस एंड आंसर विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। आफ्टर दैट इन वोकेबुलरी सी दिस एक्सरसाइज, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फ्रेजल वर्ब्स इन द बॉक्स। ये जो है आपको टेक्स्ट बुक में फिल करने हैं। उसके बाद ये जो ग्रामर पोर्शन में है, राइट इफ दिस सेंटेंसेस आर इन द पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये भी आपको टेक्स्ट बुक में ही फिल करने हैं, नो नीड टू राइट इट इन योर नोटबुक। ओके, आई विल सेंड यू द पिक्चर्स ऑफ क्वेश्चन आंसर्स एंड फिल इट प्रॉपरली, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।